असलम ब्यूटू फ्रेंड्स वेलकम बैक आज हम अपने ग्लोबेरी किचन में बनाने जा रहे हैं मैंगो केक मैंगो केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चार अंडे लिए हैं इसकी सफ़ेदी और जर्दी अलग कर लेंगे यहाँ पे मैंने डेढ़ कप आइसिंग शुगर ली है जिसको हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है सफ़ेदी में और इसको बीट करना है यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डालूँगी आइसिंग शुगर इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके हमने डालते जाना है और हमने इसको बीट कर लेना है तो बड़े अच्छे से हमारी जब सफ़ेदियाँ बीट हो जाएंगी तो हम जर्दी भी इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ पे मैंने और आइसिंग शुगर लिया है और इसको और अच्छे तरीके से बीट किया है और सर्दी में ये हमारे चूँकि अच्छे तरीके से बीट हो जाते हैं अंडे लेकिन गर्मी में थोड़ा टाइम लगता है यानी कि गर्मी में आपके 15 मिनट्स लगेंगे यहाँ पे मैंने डेढ़ कप जो है मैदा लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके स्पेशली की मदद से मिक्स कर दिया है आप याद रखें कि लम्स ना हो इसके अंदर यहाँ पर मैंने दूध लिया है मिल्क में ले रही हूँ थ्री टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर थ्री टेबल स्पून ऑयल लूँगी और वन टीस्पून वनीला एसेंस वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे ये मैंने लास्ट में जो है ये मैंने बेकिंग पाउडर डाला है बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमने मिक्स कर देना है और यहाँ पे मैंने केक टिन को रेडी कर लिया है बटर पेपर के साथ तो ये सारा बैटर मैं इसके अंदर डाल लूँगी और इसको टैप करके हम थर्टी मिनट तक ओवन में बीट कर लेंगे 150 डिग्री पे यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है ये वाली और इसको हम मैंगो प्यूरी डाल के बीट कर लेंगे तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ चुका है और यहाँ पे हमारा केक रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का स्पंच जो है ये मैं इसको केक टिन से निकाल लूँगी बहुत ही सॉफ्ट बना है और इसको मैं काट लूँगी दरमियान में भी हम क्रीम अप्लाई करेंगे तो इसमें मैं लगा रही हूँ शुगर वाटर इससे हमारा स्पंज बहुत सॉफ़्ट हो जाता है यहाँ पे मैंने वो क्रीम ऐड कर दी है और इसको बड़े अच्छे तरीके से हम लगा देंगे यहाँ पे मैं मैंगो चंक्स यूज़ कर रही हूँ तो ये फ्रूट केक बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस और यमी बनकर तैयार हो जाता है आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आई होप आपको अच्छी लगेगी यहाँ पे मैंने क्रीम ली और उसी तरह शुगर वाटर इसके ऊपर भी लगा के क्रीम अप्लाई कर ली है और बहुत अच्छा सा मैंगो स्लाइस हमने काट लेनी है मैंगो स्लाइस हमने इसकी डेकोरेट कर देनी है थोड़ी सी और ये बहुत ही यमी और मज़ेदार केक हमारा रेडी हो चुका है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना और ये मौसम के लिहाज से मैंगो जो है वो बहुत ही मज़े के जो हमारे अब मार्केट से मिल जाते हैं उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो होगी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़